कैसे हो? मुझे पता है कि आप सब लोग बढ़िया हैं एंड आगे भी बढ़िया ही रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि भाई यार प्लीज़ 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 आप डेजर्ट ईगल का वन टैप हेडशॉट ट्रिक लेकर आओ। सो फाइनली गाइस डेजर्ट ईगल का वन टैप हेडशॉट ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डेजर्ट ईगल से कैसे आप वन टैप मार सकते हैं, पूरी एकदम स्पेसिफिकेशन बताऊँगा एकदम ए टू जेड। सो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज भी मिलने वाली है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अगर आप मेरे मोंटाजेस वीडियो देखना चाहते हो लाइक वन टैप, ऐसे में बहुत टाइप के मोंटाजेस डालता हूँ, तो मेरे उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हो। तो अभी तीन वीडियो अपलोड किया है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है M500 एंड डेजर्ट ईगल मोंटाजेस। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना, आपको वहाँ पर भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कैसे मार सकते हैं वन टैप हेडशॉट विद डेजर्ट ईगल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, उस समय में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ गाइस कितने बंदे सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस मुझे पता है कि आप लोगों ने इन 3 सेकंड में यार सभी बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो थैंक यू गाइस सब्सक्राइब करने के लिए। एंड नहीं किया यार कर लो यार, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार। एंड आज की इस वीडियो का लाइक है गाइस 2 के लाइक। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो देखो गाइस लाइक किया है या नहीं, नीचे आकर देखो लाइक आपने किया है या नहीं। आप गाइस प्लीज़ यार लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक है 2 के लाइक। मुझे यार 24 घंटे में 2 के लाइक चाहिए, बस कैसे बस चाहिए, ठोको लाइक बस कैसे भी करो, भले चप्पल मारो भले ही हेडशॉट मारो कुछ भी करो, बस 2 के लाइक चाहिए बस। तो अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्लिप दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मैं कैसे हेड मारता हूँ। तो ये गाइस सारा मैटर है आपकी टाइमिंग प्लस आपके एक्सपीरियंस का। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज ही कर लिया तो आज ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे मारता हूँ, देखो एक बार ट्राई किया नहीं लगा, अब देखना गाइस इसने मुंडी दिखाई और दूसरा टाइमिंग गया। एंड साथ ही साथ गाइस ग्लूवल भी मैंने एकदम इतना फास्ट लगाया कि उस बंदे को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर गाइस एक बार और उसको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे किया। तो देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं जा रहा हूँ एंड सामने बंदा है एनिमी है, देखो गाइस खड़ा है एनिमी ने एक बार दिखाया, मैंने एक बार मारा नहीं लगा गाइस, देखो मैंने तुरंत ग्लूवल बना लिया। ये भी मैटर है कि गाइस अगर आपका शॉट नहीं लगता है तो ग्लूवल भी बनाना ज़रूरी है। एंड सेकेंड ट्राई में देखो वो गाइस पूरा एक्सपोज आ रहा है, वो मतलब हम लोग को नुबड़ा समझ रहा है। देखो नुबड़ा गाइस नहीं, किसी भी नुबड़ा बंदा भी मार सकता है अगर उसको स्किल्स का पता है। देखो यहाँ पर इसको आसानी से ऐड लग गया। तो गाइस यहाँ पर मैटर क्या क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सारी टिप्स एंड ट्रिक दे देता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो गाइस ये हेडशॉट मारने के लिए आपको कोई भी बंदे की पोजीशन होगी तो चलेगा। लाइक अगर बंदा आपकी तरफ भाग कर आ रहा है तो गाइस पहले ही शॉट में हो सकता है लग जाए, मतलब 100% लग जाएगा। एंड अगर आपका गाइस बंदा मूवमेंट कर रहा है आपके, मतलब आपसे स्ट्रेट आ रहा है आपकी तरफ या स्ट्रेट भाग रहा है आपसे दूर, तो गाइस आसानी से हेड लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर स्ट्रेट बंदा खड़ा है तो आसानी से लग जाता है। एंड कैसे लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो ये मैंने बता दिया। एंड अगर एनिमी लेफ्ट राइट या फिर कई लाइक किसी अलग डायरेक्शन में भाग रहा है तो गाइस हेडशॉट मारने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको यहाँ पर एरो दिखाकर समझाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर आप मेरे फायर बटन को देखना, देखो गाइस मैं सिंपली जा रहा हूँ, बंदा सामने है, ठीक है मतलब मेरे को बंदे का पता है लेकिन उस बंदे को पता नहीं मैं उसकी तरफ देख भी रहा हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर मैं खड़ा रहा एंड यहाँ पर देखना मेरा फायर बटन, ठीक है गाइस गाइस यहाँ पर देखना कि मैं इसको कैसे मार रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे को पता है बंदा, मैं जानबूझकर इसको इधर देखने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आया, अब मेरे बंदे को डाउन करेगा। जैसे डाउन किया मैंने, देखो गाइस कैसे ट्राई किया मैंने, एकदम डायरेक्ट नीचे किया पहले फिर ऊपर किया। लाइक सभी बंदे क्या बोलते हैं कि गाइस पहले आपको राइट से ऊपर लेकर जाना है। तो देखो गाइस जब आप एकदम अपने थम्स को एकदम नीचे लेकर जाकर ऊपर लेकर जाओगे तो आपका फायर बटन का जैसे राइट से ऊपर गया है ऐसा लगेगा। तो सभी बंदे बोलते हैं कि राइट से ऊपर लेकर जाओ, और नॉर्मली गाइस वही करते हो आप, राइट से एकदम ऊपर लेकर जाते हैं फायर बटन को। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, आपको फायर बटन को गाइस एकदम अपना एकदम अंगूठा होता है जो थम्स, उसको एकदम नीचे करना है एकदम तुरंत एंड तुरंत ऊपर खींच लेना है। अगर गाइस बंदा शॉर्ट रेंज में है तो गाइस आपको बहुत ही तेज़ी से करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी, ठीक है मतलब समझ सकते हो बहुत तेज़ी से एंड बहुत लॉन्ग करना पड़ेगा, लाइक एकदम नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। एंड बंदा अगर लॉन्ग में है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में है, लाइक यहाँ पर इतना दूर है, तो गाइस एकदम छोटा सा हल्का सा नीचे लेकर जाकर आप ऊपर ड्राइव कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप देखना कि मैं कैसे मारता हूँ उसको, ठीक है। तो यही होता है गाइस मतलब हेड मारने का टेक्निक। लाइक बंदे बोलते हैं कि राइट से ऊपर लेकर जाओ एंड उसका राइट से भी जाता है,
माना कि राइट से ज़्यादा, लेकिन जब आप ब्रेक करते हो तो आपका थंब नीचे लेकर जाकर ऊपर लेकर जाओगे तभी आपका वो राइट से दिख रहा है। यहाँ पर देखो मेरे बंदे को डाउन किया, मैंने तुरंत क्या देखो फायरवेन को नीचे करके थोड़ा सा ऊपर किया, जस्ट थोड़ा सा हेड लग गया, तुरंत ब्लू वॉल बना लिया। तो ये होता है गाइस मैटर की कैसे आपका हेड लगता है कैसे नहीं लगता है। तो बात करें गाइस शॉर्ट रेंज की कि एकदम शॉर्ट रेंज में कैसे करें, तो शॉर्ट रेंज में गाइस आपको कैसे करना वो मैं यहाँ पर देखना गाइस कि बंदा मतलब मेरे को मार भी रहा है ना और नहीं भी। जब यहाँ पर इसको मारा तो मुझे बहुत डैमेज दे दिया था, मुझे लगा मुझे मार देगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरा तो हेड लगेगा। देखो कितनी बार मिस हुआ, कितनी बार ग्लू वॉल लगाया। यहाँ पर देखो गाइस एक शॉट मारा, ग्लू वॉल लगा लिया। अब ये शॉट कैसे लगा गाइस, एकदम तुरंत मैंने ऊपर किया, नीचे घिस के तुरंत ऊपर किया। आप देख लेना मेरा फायर बटन अभी कि मैंने कैसे ऊपर किया, ठीक है एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत ही लास्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ध्यान से। यहाँ पर मैंने ग्लू वॉल बनाया। एंड गाइस एक सिंपल तरीके का आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कम से कम गाइस अगर आप एक वीक ट्राई करते हो डेली क्लैश कोड खेलकर ओनली ये गन लेकर, तो आप आराम से सीख जाओगे एक अच्छे वाले मतलब हाई लेवल के सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस बंदा जा रहा है सामने, जस्ट गाइस मैंने फायरवेल को थोड़ा सा नीचे करके ऊपर किया एंड इसको हैंड लग गया। तो यही सिंपल मेथड है, आपको एकदम फायरवेल को नीचे करना है, तुरंत ऊपर खींच देना है। इससे गाइस आपका बॉडी पर इमेज आकर हेड पर जाता है। मतलब देखो नॉर्मली जो होता है गाइस वो बोलते हैं इसमें ऑटो एम जाता है, मतलब छाती वाली स्ट्रीट पर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर गाइस आपका ऑटो एम जाता है जब आप नीचे ड्रैग करते हो, तो एम जाता है पैरों की तरफ, पैरों की तरफ नहीं जाता है क्योंकि गाइस जब वो मतलब एम नहीं जाता है पैरों की तरफ क्योंकि लॉक हुआ होता है आपकी शिस्ट पर जो यहाँ पर छाती वाली है वहाँ। एंड जब आप एकदम नीचे करके ऊपर करते हो तो आपका छाती से हटकर हेड पर एम चला जाता है। तो ये करने के लिए आपको आपकी एक तो गाइस आपकी पोजीशन स्टिल होनी चाहिए, आपका जॉयस्टिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए तभी हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, लाइक है 2K लाइक कर देना, 2K लाइक। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू गाइस। कर दो यार लाइक फटाफट गाइस, जूते मारो कुछ भी मारो बस कर दो यार, मेरे को लाइक चाहिए बस कर दो लाइक।